15 जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं ये 15 चैन है। अब इनको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, तो स्लिप चैन के साथ इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर लिया। अब कनेक्ट करने के बाद अब हम दूसरा धागा इसमें यूज करेंगे। अब यहाँ पे दूसरे जो धागा हम यूज करेंगे तो इसकी हम पहले एक चैन बना लेंगे। चैन हम इस तरह से बनाएंगे जैसे एक हमने फंदे जैसा बना लिया है, और अब इसको हम इस तरह से इसमें कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम जो हमने धागा चेंज किया है इसकी एक चैन बनाएंगे। एक चैन बनाने के बाद जो अब हमारे पास चैन है इसको हम यहाँ पे स्लिप चैन के साथ में इसकी एक लेयर बनाएंगे। स्लिप चैन के साथ हमने इसके साथ अटैच किया, एक चैन बनाएंगे। फिर से हम नेक्स्ट चैन में स्लिप चैन का यूज करेंगे, फिर से एक चैन बनाएंगे। नेक्स्ट चैन में स्लिप चैन के साथ इसको जोड़ेंगे, फिर से एक चैन बनाएंगे। नेक्स्ट चैन में हम फिर से इसको स्लिप चैन के साथ इसको अटैच करेंगे इस तरह से। फिर से हम एक चैन बनाएंगे और नेक्स्ट चैन में इस तरह से इसको हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। इस तरह से हम पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे हमने फर्स्ट लेयर को कंप्लीट किया है, इसमें हमने स्लिप चैन के साथ इसको बनाया है। अब हम यहाँ पे तीन चैन बनाएंगे, एक दो और तीन। तीन चैन बनाने के बाद हमने एक लूप को यहाँ पे स्किप करना है। जो नेक्स्ट चैन है हमारी, यहाँ पे हम इसको स्किप चैन के साथ इसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे। फिर से हम तीन चैन बनाएंगे, एक दो और तीन। तीन चैन बनाने के बाद हम यहाँ से एक चैन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट चैन में हम इस तरह से इसको इस तरह से स्किप चैन के साथ इसको अटैच करेंगे। फिर से तीन चैन बनाएंगे, एक दो और तीन। फिर से यहाँ हम एक चैन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट जो चैन है इसमें हम यहाँ पे इसको स्किप चैन के साथ इसको अटैच कर लेंगे। इस तरह से पूरी लेयर को हम कंप्लीट करेंगे। इसमें तीन चैन बना लिए हैं और अब इसको हम यहाँ पे स्किप चैन के साथ इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे इस तरह से। अब ये जो हमारे पास जो लूप बन के तैयार हुए हैं, ये जो लूप है ये सात है। आप अपने जैसे भी छोटे या बड़े ठाकुर जी के लिए आप या ज्यादा फ्रिल के लिए बनाना चाहती हैं, ज्यादा फ्रिल ठाकुर जी की ड्रेस में बनाना चाहती हैं, तो ये लूप आप अपने अकॉर्डिंग रखें। जैसे अब मैंने यहाँ पे सात बनाए तो आप इसको आठ रख सकती हैं, या फिर पांच भी रख सकते हो, आप छह भी रख सकते हैं। इस तरह से आप अपने कान्हा जी के साइज को देखते हुए इसको बनाए। अब यहाँ पे हम एक चैन बनाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट लूप है, यहाँ पे एक चैन बना लिया। एक चैन बनाने के बाद अब यहाँ पे हम एक स्लिप चैन लेंगे इस तरह से। स्लिप चैन के बाद अब एक हम सिंगल हमने हाफ हाफ डबल क्रोशिया लेना है इस तरह से, और इसको एक साथ ही हमने यहां से निकालना है, एक साथ ही निकालना है इसको। अब इसके बाद हम यहाँ पे डबल क्रोशिया लेंगे पांच बार। एक हमने यहाँ पे स्लिप चैन लिया, इसके बाद हमने हाफ डबल क्रोशिया लिया। अब यहाँ पे हम पांच डबल क्रोशिया लेंगे पांच बार, एक दो तीन चार और पांच बार डबल क्रोशिया लेने के बाद अब हम हाफ डबल क्रोशिया लेंगे इस तरह से। हम इसको एक बार में ही निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया लेंगे, सिंगल क्रोशिया नहीं सॉरी स्लिप चैन के साथ इसको हम इस तरह से बनाएंगे। अब जो नेक्स्ट लूप है यहाँ पे हम फिर से स्किप चैन के साथ इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे इस तरह से, खींच लेंगे धागे को। फिर अब हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया लेंगे। हाफ डबल क्रोशिया मैंने आपको बताया है कि हाफ डबल क्रोशिया में हम एक साथ हम इसको निकाल लेंगे। अब इसके बाद फिर से हम पांच बार डबल क्रोशिया लेंगे यहाँ पे,
एक, दो, तीन, चार और ये पांच, पांच बार डबल क्रोशिया हो गया। अब इसके बाद फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया लेंगे और इसको हम एक बार में ही निकाल लेंगे इधर ऐसे, और फिर हम यहाँ पे स्लिप चैन लेंगे इस तरह से। और इसी तरह से जितने भी हमने यहाँ पे लूप बनाए, हमने सात लूप बनाए, तो इसी प्रोसेस से हम हर लूप में इस फ्लावर पैटर्न को हम बना लेंगे। हमारी बनके रेडी हो गई है। अब हमने यहाँ पे धागा चेंज किया है। अब धागा चेंज करने के बाद हम यहाँ पे पांच की चैन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार और पांच। पांच चैन बनाने के बाद अब जो इधर की तरफ हमारा ये वाला पार्ट है, ये जो यहाँ पे आप जॉइंट देख रहे हैं, इस वाले पार्ट पे क्रोशिया से हम इसको इस तरह से जॉइन करेंगे। स्लिप चैन के साथ इसको हमने कनेक्ट करना है। फिर से हम छह की चैन बनाएंगे, एक, सॉरी पांच की चैन बनाएंगे, दो, तीन, चार और पांच। जो नेक्स्ट हमारा ये जुड़ जाएगा जब यहाँ पे इस तरह से इसका लेस आएगी। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट लूप है इसमें हम इसको इस तरह से कनेक्ट करेंगे। स्लिप चैन के साथ ही हमने इसको कनेक्ट करना है। फिर से हम पांच की चैन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार और पांच। पांच की चैन बनने के बाद जो नेक्स्ट लूप है इस तरफ, इसको हम उल्टी साइड से यहाँ पे इसको इस तरह से कनेक्ट करेंगे। इसी तरह से हम एक चैन बनाएंगे, ये चैन उल्टी साइड में इस तरह से पूरे में यहां तक हमें बनानी है। ये लूप है, इसमें हमने पांच की चैन बनाई है और इस लूप में हम यहाँ पे इसको स्लिप चैन के साथ ही इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे इस तरह से। अब हमने जैसे ये फ्रिल बनाई थी, फर्स्ट लेयर जो हमने बनाई थी, इसी में इसी की तरह हमने बनाना है, लेकिन इसमें हमने जो पांच डबल क्रोशिया लिए थे वे अब हमने सात बनाने हैं। अब हम यहाँ पे एक स्किप चैन के साथ इसको हमने अटैच कर दिया। अब हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, हाफ डबल क्रोशिया लेने के बाद हम यहाँ पे सात डबल क्रोशिया लेंगे, सात बार, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, ये सात। सात हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया लिए। अब हम हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया लेना है इस तरह से, और इसको थोड़ा सा खींचना है जो ऐसे फ्रिल टाइप में हो जाए, और फिर हम एक सिंगल क्रोशिया लेंगे स्लिप चैन वाला, और इस तरह से ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा। अब नेक्स्ट हम इसमें, अब हमने आगे वाले जो हमारा लूप है इसमें अब हमने इसको स्लिप चैन के साथ इसको यहाँ पे कनेक्ट करना है। फिर हम हाफ क्रोशिया लेंगे, एक, हाफ क्रोशिया के बाद अब फिर से हम सात बार इसमें डबल क्रोशिया लेंगे, डबल क्रोशिया लिए। अब एक हमने हाफ डबल क्रोशिया लेना है। हाफ डबल क्रोशिया लेने के बाद इसको हम धागे को खींचेंगे और नेक्स्ट हमने लेना है स्लिप चैन वाला क्रोशिया, और इसको हम बिल्कुल इस तरह से करेंगे।
अब हमारा जो पैटर्न है जो हमने पहले फॉलो किया था, अब इससे ज़्यादा हम इसमें डबल क्रोशिया ले रहे हैं ताकि जो हम फ्लावर बना रहे हैं उसकी जो फ्रिल आए वो एकदम खिल के आए, मतलब एक दूसरे से ये छोटा फिर इससे बड़ा, और नेक्स्ट लेयर जितनी भी आप बड़े ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं तो उस लेयर को हम ऐसे ही बढ़ाते हुए चले जाएंगे, और इसी जो पैटर्न से हम बना रहे हैं इसको हम पूरी फ्रिल को इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ हमने इसको कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पे पीछे की साइड में जो हमारे ये लेयर है फर्स्ट, इसमें हम इसको स्किप चैन बनाएंगे। एक यहाँ पे एक हम स्किप चैन के साथ में इसको कनेक्ट कर देंगे, पीछे की तरफ करना है हमने इसको कनेक्ट इस तरह से। अब हम यहाँ पे धागा चेंज करेंगे। यहाँ पे धागा चेंज करने के बाद अब हम फिर से छह की चैन बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच और छह की चैन बनाने के बाद अब जैसे हमने फर्स्ट इसमें कनेक्ट किया था, अब जो हमारे पास पीला जो हमने धागा इसमें लगाया है और ये जो यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट किया है, इसको हम उल्टी साइड से इस तरह से इसमें हम यहाँ पे स्लिप चैन के साथ इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इस तरह से, और फिर से छह की चैन बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच और छह। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जहाँ पे हमने कनेक्ट किया है इसको पीले, और ये हमने उल्टी साइड में ही इसको बनाना है, इसको फिर से हम स्किप चैन के साथ में कनेक्ट करेंगे। और जैसे हमने पहले इसको फर्स्ट लेयर बनाई थी पीले धागे की, अब की बार हम ब्लैक ले रहे हैं और इसको हम उल्टी तरफ से इसको कंप्लीट कर लेंगे पूरी लाइन को। अब यहाँ पे हमने इसको स्किप चैन के साथ में अटैच कर लिया है, पूरी लेयर इस तरह से हमारी उल्टी तरफ से आएगी। अब यहाँ पे हम हाफ एक हाफ लेंगे डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया लेना है इस तरह से। फिर से अब हमने इसमें सात डबल क्रोशिया लिए थे, अब हम इसमें नौ डबल क्रोशिया लेंगे। जब हम फूल की लेयर बना रहे हैं तो लेयर इस तरह से बननी चाहिए कि फूल की कलियां पूरी खिली खिली हुई सी दिखाई दें, तो अब इसमें हम नौ डबल क्रोशिया लेंगे। अब एक दो तीन चार पांच छः सात आठ और ये नौ। नौ डबल क्रोशिया लेने के बाद अब एक हाफ डबल क्रोशिया लेंगे इस तरह से, और इसको थोड़ा हम खींच देंगे। फिर से हम एक स्लिप चैन लेंगे और इस तरह से इसको हम कनेक्ट कर देंगे, तो ये इस तरह से ये फैला फैला हो जाएगा। अब जो लेयर आएगी हमारी वो इस तरह से आएगी, पहले छोटी लेयर, फिर इसके बाद इससे बड़ी, और फिर जो नेक्स्ट जो लेयर है ये इससे बड़ी, और इसी तरह से इसी पैटर्न से हम इस रो को भी कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट किया इस लेयर को, और पीछे की तरफ हमने इसको यहाँ पे एक स्किप चैन के साथ इसको यहाँ पे कनेक्ट किया। अब हम यहाँ पे धागा चेंज करेंगे, तो धागा चेंज करने के लिए हम यहाँ पे एक चैन बनाएंगे इसके इस तरह से, और अब इसको हम यहाँ पे जो हमारा पीछे वाला जो इस तरफ से आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा जहाँ हमने इसको कनेक्ट किया है यहाँ पे इसको हम स्किप चैन के साथ कनेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे छह की चैन बनाएंगे। फिर से पहले हमने छह की चैन बनाई थी इसमें, और अब दोबारा से भी हमने छह की चैन बनानी है। एक दो तीन चार पाँच छ। अब जो हमारा ये वाला कनेक्टेड पार्ट है, सीधी तरफ से आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला पार्ट है जो, और उल्टी तरफ से हम इसको कनेक्ट करेंगे जैसे हमने और लेयर्स में किया है,
इसमें भी हम इसी तरह से करेंगे। इसके बाद फिर से हम 6 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और जो नेक्स्ट हमारी जो चैन है इधर की तरफ से और उल्टी साइड में, इसको हम इस तरह से स्किप चैन के साथ इसको हमने कनेक्ट करना है। ये बैक साइड में हमारे लूप बन के रेडी हैं और फ्रंट साइड से हमारी जो ड्रेस है ये इतनी सुंदर दिखाई दे रही है। और अब ये लेयर्स आप इसी तरह से बढ़ा सकती हैं, आप जितने भी बड़े कान्हा जी के लिए बनाएं तो ये लेयर्स जो आपको दिखाई दे रही हैं आप इसको इसके अकॉर्डिंग ही बढ़ा सकती हैं। जैसे मैंने पहले 5 की लेयर बनाई थी, 5 मैंने डबल क्रोशिया लिए, उसके बाद 7 की लेयर बनाई है, 7 डबल क्रोशिया वाली, उसके बाद 9 डबल क्रोशिया वाली बनाई है और अब की बार जो मैं लेयर बनाऊंगी इसमें मैं 11 डबल क्रोशिया लूंगी। स्किप चैन से मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है, अब हाफ डबल क्रोशिया लेना है मुझे इसमें इस तरह से। हाफ डबल क्रोशिया लेने के बाद अब मैं इसमें 11 डबल क्रोशिया लूंगी, 11 डबल क्रोशिया लेने के बाद अब हाफ डबल क्रोशिया लेना है। एक हाफ जब डबल क्रोशिया लेते हैं तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे खींच देंगे इस तरह से, और फिर एक स्लिप क्रोशिया लेना है, सिंगल क्रोशिया जिसको हम कह सकते हैं। और इस तरह से लेने के बाद ये हमारी जो ड्रेस की नेक्स्ट जो फ्रिल है इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे, जैसे हमने और फ्रिल कंप्लीट की है। लेयर को भी कंप्लीट कर लिया है, अब जितनी भी आप लेयर ठाकुर जी की बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप इनके डबल क्रोशिया के साइज को बढ़ाते जाइए और ये जो है यहाँ पे हम चैन लेते हैं इसके साइज को बढ़ाते हुए चले जाइए। और इस तरह से आप बहुत बड़े ठाकुर जी की भी इस तरह से बना सकते हैं ड्रेस को, जैसे 7 नंबर की बनानी है, 6 की, 5 की, 4 की, जितने भी बड़े आपके ठाकुर जी हैं तो उसी हिसाब से आप लेयर को बनाते जाएं। अब मैं यहाँ पे जो लास्ट लेयर है हमारी ब्लैक की लूंगी, तो इसको मैं यहाँ पे चैन बनाऊंगी, 7 की चैन बनानी है मुझे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 की चैन बनाने के बाद अब मैं जो इसको कनेक्ट करूंगी जहां से हमने पीली जो हमारी इसको धागे को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है, उल्टी तरफ से हमने इसको इस तरह से स्लिप चैन के साथ इसको कनेक्ट करेंगे हम। स्लिप चैन के साथ हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट करना है इसी तरह से, जितनी भी हमारी ये जो जॉइंट जहाँ पे हमने इसको दिया है उल्टी तरफ से हमने 7 की चैन बना के इसको यहाँ पे कनेक्ट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 की चैन बना के यहाँ पे हम इसको स्लिप चैन के साथ या सिंगल चैन के साथ इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। इसी तरह से सारी इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ये जो हमारी लास्ट लेयर है इसमें मैंने एक यहाँ पे स्किप चैन लिया, 1 हाफ क्रोशिया लूंगी, हाफ डबल क्रोशिया। अभी इसमें मैंने जैसे 11 है इसमें मैंने डबल क्रोशिया लिए थे 11, अब इसमें मैं 13 डबल क्रोशिया लूंगी। तेरह डबल क्रोशिया बना लिए हैं, अब मैं हाफ डबल क्रोशिया लूंगी लास्ट में इस तरह से, इसको खींचना है थोड़ा सा, एक स्लिप क्रोशिया लेना है
इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लूप है इसमें मैंने स्लिप चैन के साथ ही इसको कनेक्ट करना है, ऐसे धागे को खींचना है थोड़ा सा। फिर से हाफ क्रोशिया लूंगी, एक हाफ क्रोशिया हमने थोड़ा टाइट खींच के लेना है। इसके बाद 13 डबल क्रोशिया लेना है, 13 जैसे इसमें लिए हैं। इस तरह से हमारी लेयर, हर लेयर क्लियर हो जाएगी, ये 5 की, ये 7, ये 9, 11 और 13। और इसी तरह से आप अपने बड़े ठाकुर जी के लिए भी इस तरह की ड्रेस को ट्राई कर सकती हैं। और इसी पैटर्न से मैं इस लेयर को भी कंप्लीट करूंगी। हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए ये फ्लावर शेप वाली ड्रेस हमारी बनके रेडी हो चुकी है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स जरूर कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें।